Students, we are going to start the topic of electromagnetic waves. इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह से फ्री स्पेस में ट्रेवल करती हैं, किस तरह से कंडक्टिंग मीडियम में ट्रेवल करती हैं, किस तरह से किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ट्रेवल करती हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ ईएम वेव्स, पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ ईएम वेव्स, ये सारे फिनोमिना हम ईडी के बेसिस पे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बेसिस पे ये सारे फिनोमिना इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए। मैक्सवेल्स इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए इन फ्री स्पेस और किसी मीडियम के अंदर, डाइलेक्टिंग मीडियम के अंदर या किसी कंडक्टिंग मीडियम के अंदर मैक्सवेल्स इक्वेशंस को कैसे लिखना है। फिर उसके बाद मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बाद हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस को यूज करके वेव इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। वेव इक्वेशंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स की टाइम और स्पेस वेरिएशंस के फंक्शंस दे देंगी। अगर हम उनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। तो जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है उसमें हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस को लिखना सीखेंगे और उसके साथ साथ फिर उनको यूज करके वी विल ड्राइव वेव इक्वेशन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशंस, the first equation is basically Gauss law of electrostatics and it is closed surface integral of electric field or you can say electric flux is always equal to charge enclosed by the closed surface divided by epsilon naught. इस equation को ऐसे भी लिखा जा सकता है, epsilon naught से इधर multiply कर देंगे, epsilon naught into E dot ds is equal to q enclosed. और यहां पे epsilon naught into E vector जो है, this is called displacement vector, D vector. For a medium we will write this equation like this. Here D vector is epsilon times E vector. देखो जिस medium के अंदर आप ये equation को लिखोगे उसका उसकी permittivity यहां पे आएगी। अगर वैक्यूम के अंदर आप इस इक्वेशन को लिख रहे हो तो एप्सिलॉन नॉट आएगा और अगर आप यहाँ पे किसी मीडियम के अंदर इस इक्वेशन को लिख रहे हो तो यहाँ पे उस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन आए, इट इज ए मीडियम परमिटिविटी। इस तरह से भी इक्वेशन को लिखा जा सकता है। अब ये इसकी इंटीग्रल फॉर्म है, किसी भी मीडियम के अंदर अगर लिखना है तो आपको इस इक्वेशन को यूज करना है। अब इसके बाद अगर इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखें तो यहाँ से डायरेक्टली ड्राइव हो जाती है, बट आई विल जस्ट राइट द इक्वेशन डेल डॉट D is equal to rho. अब इसको इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे लिखा जाता है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखना है तो हम यहाँ पे D वेक्टर को वापस एप्सिलॉन टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कर देंगे यहाँ पे। ये एप्सिलॉन जो है मीडियम की परमिटिविटी, अगर नीचे चला जाएगा रो के तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन। अगर इस इक्वेशन को मीडियम के अंदर लिख रहे हो तो एप्सिलॉन रहेगा, अगर वैक्यूम के अंदर लिख रहे हो तो यहाँ पे वैक्यूम की परमिटिविटी आ जाएगी। दिस इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द फर्स्ट इक्वेशन इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए तो आपने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंप्लीट स्टेटमेंट, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर पूछा जाए तो बताना है, मीडियम के अंदर कैसे लिखना है इक्वेशन को और वैक्यूम के अंदर कैसे लिखना है, दोनों चीजें आपको बतानी है। मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन is Gauss law of magnetism and it is also related to flux, but magnetic flux in integral form mein aise likha jata hai, B dot ds is always zero. और अगर हमें इसको लिखना है integral form में तो ये हो गया ना, एक मिनट,
अगर आपको इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये बन जाती है डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी किसी मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है डेल डॉट व्हाट इज बी, बी इज म्यू टाइम्स एच इक्वल टू जीरो बिकॉज एच इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स विच इज बी डिवाइड बाय म्यू, म्यू इज द परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, लेकिन यहाँ पे म्यू जीरो ही हो जाएगा तो हम दूसरी फॉर्म जो है इसकी डेल डॉट एच इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एच डॉट बी एस इक्वल टू जीरो, तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ओवर ए क्लोज सरफेस फाइव बी जो होगा दैट विल ऑलवेज बी जीरो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स ही है ना, means they are closed lines like this, magnetic field lines. So the number of magnetic field lines entering a volume is equal to number of magnetic field lines leaving the volume. The total magnetic flux associated with a closed surface is always zero. और इसका एक और एक significance है that the magnetic monopoles do not exist. Magnetic monopoles do not exist. तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है आपको। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है हमारे पास, उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज बेसिकली फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थर्ड इक्वेशन इज फैराडेज लॉ, और उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे ईएमएफ की फॉर्म में तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज वन फॉर्म। अनदर फॉर्म इज ईएमएफ इज ई डॉट डीएल, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ सरफेस इंटीग्रल, सरफेस विल बी ओपन सरफेस, सो सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एस। और अगर आप ये साइन जो है इसको अंदर लेके जाना चाहते हैं यू कैन डू, वो पार्शल में चेंज हो जाएगा, चलो यहीं पे रहने दो। तो ये होगी इंटीग्रल फॉर्म, और इसकी डिफरेंशियल फॉर्म मैं यहीं पे लिख देता हूँ। डिफरेंशियल फॉर्म इसकी सिंपली होती है डेल क्रॉस ई मींस कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, दिस इज मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। नाउ हियर आल्सो यू कैन राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल डी, कैपिटल डी की टर्म्स में कैसे लिखेंगे और एच की टर्म्स में लिखना है तो एच की टर्म्स में लिख सकते हैं। हियर बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एच, so this can be written as del cross E is equal to minus mu partial H over partial T. यहाँ पे mu not लिख दोगे तो vacuum के अंदर हो जाएगी, और अगर यहाँ पे simply mu रहने दोगे तो किसी medium के अंदर हो जाएगी, ठीक है? So this is another form. ये सारी forms आपको याद रखनी है, integral form और differential form. और इसके साथ साथ physical significance और definition of Faraday's laws वो भी आपको याद रखना है. Next है इक्वेशन नंबर फोर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स रिपुटल्स लॉ। तो फोर्थ इक्वेशन इज दिस इज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई प्लस म्यू नॉट टाइम्स आई टी, ये बेसिक इक्वेशन है, इसको इन टर्म्स ऑफ एच भी लेके जा सकते हैं। एच B is mu times H. अभी वैक्यूम में लिख रहा हूं तो mu not times H. यहां से भी mu not common, I plus IT. Mu not कट जाएगा। इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। I जो है that is J dot ds. This is closed line integral, this is open surface integral. I की वैल्यू ये है प्लस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वी हैव जे डॉट डी एस, वही है, ये भी करंट है बट दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट, तो मैंने इसके पैर में जे डी लगा, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। एच डॉट डी एल का क्लोज लाइन इंटीग्रल ना स्टॉक्स थ्योरम लगा देते हैं डेल क्रॉस एच, तो ये सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा यहाँ पे डी एस, और ये इधर भी जे डॉट डी एस है तुम्हारे सामने, यहाँ पे जे डी डॉट डी एस है, तो आप इसको भी ओपन करके डिफरेंशियल फॉर्म ये बन जाएगी जे वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर, ठीक है।
इन दोनों के बराबर। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो सिर्फ टाइम वेरिंग फील्ड्स के केस में होता है जेडी। अगर स्टैटिक करंट है तो जेडी जीरो कर देते हैं, तो वो मैक्सवेल की जो दूसरी फॉर्म है इक्वेशन की वो बन जाती है। दिस इज वन फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। अब इसको इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेके जा सकते हैं। देखो जो जेडी वेक्टर होता है ना बच्चे, दैट इज पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है हमारा, जो डी वेक्टर पीछे इक्वेशंस में आ रहा था। अब इसको प्रूव करना है हमें, ठीक है। टू प्रूव फिर यहां पुट कर देंगे, दिस इज इक्वेशन वन। तो सिंपली हम ऐसे करते हैं, वी विल टेक डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा डेल डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डी। डाइवर्जेंस ले ली मैंने, ठीक है। अब कर्ल की डाइवर्जेंस जीरो होती है, और यहां से पता चल रहा है कि डेल डॉट जे डी इज माइनस ऑफ डेल डॉट जे। डेल डॉट जे डी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज माइनस ऑफ डेल डॉट जे, ये हमेशा होता है। दोनों की डाइवर्जेंस विद नेगेटिव साइन रिलेट करती है। अब यहां पे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग माइनस ऑफ माइनस पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी पुट कर देंगे, ये माइनस माइनस कर जाएंगे। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है डेल डॉट जे, दिस इज फॉर फ्री करंट्स, इज पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी। तो ये माइनस साइन होता है यहाँ पे, ये माइनस है, ये माइनस कैंसिल। डेल डॉट जे डी किसके बराबर आ गया, नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां से हमने डेल डॉट डी लिखा, वो रो के बराबर है। इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दो। तो ये इधर देखो पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी आ गया, ये इक्वेशन वन, ये टू, दोनों पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी है, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। देयरफॉर डेल डॉट जे डी इज डेल डॉट पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी, दोनों की डाइवर्जेंस, ठीक है, दोनों सेम ही आ गए। देयरफॉर जे डी वेक्टर इज पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी। ये वही डिस्प्लेसमेंट करंट ही है जिसको हम कल ये लिख रहे थे, आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट पार्शियल फाई ई बाय पार्शियल टी। यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डिफरेंशिएशन होती है उसको अगर हम खोलें तो ये बन जाता है, इधर देखेंगे तो इसको भी एरिया से डिवाइड कर देते हैं हम, क्योंकि अगर आपको जे डी बनाना है ना, जे डी, जे मतलब करंट डेंसिटी विच इज करंट अपॉन एरिया, तो मैं इसको एरिया से डिवाइड कर रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट बाय एरिया पार्शियल फाई ई को खोल देते हैं, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया डिवाइड बाय पार्शियल टी। देखो एरिया से एरिया यहां कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बन गया पार्शियल ओवर पार्शियल टी। एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से ऐसे लिखा जा सकता है, एंड दिस इज डी वेक्टर, है ना, तो ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है इंपॉर्टेंट। तो मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है उसको ऐसे लिखा जाता है, ये हमें ऐसे ही लिखनी है जब हम इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। जे वेक्टर ये फ्री करंट डेंसिटी है प्लस पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। ओके, तो ये चारों इक्वेशंस अभी मैंने जनरल फॉर्म में लिखी है किसी मीडियम के अंदर, ये नीचे वाली इन मीडियम है, क्योंकि देखो डी वेक्टर आ रहा है। अब फ्री स्पेस में हमें देखना है कि कौन कौन सी कंडीशंस हम इंपोज कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस। देखो ध्यान से, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर देयर इज नो चार्जेस, सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जहां जहां भी आ रहा होगा वो जीरो। करंट डेंसिटी जे वेक्टर, देयर आर नो करंट्स, सो जे वेक्टर फ्री करंट डेंसिटी इज आल्सो जीरो।
sigma conductivity, conductivity of vacuum is also zero. This is conductivity. Okay, conductivity J के साथ relate करती है, relation होती है J is equal to sigma E. तो जहां पे sigma zero हो गया वहां conductivity zero हो जाएगी अपने आप. सीधी सीधी बात है, कंडक्टिविटी बेसिकली फ्री चार्ज के इसके कारण होती है. तो अगर सिग्मा जीरो है तो जे भी जीरो होगा, ये ओम्स लॉ है. तो अब सारी इक्वेशंस ये बन जाएंगी, डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, डेल डॉट डी रो था अब वो जीरो है, डेल डॉट वी तो चलो पहले ही जीरो था, डेल क्रॉस ई माइनस पार्शल बी ओवर पार्शल टी, और इसको आप माइनस म्यू नॉट पार्शल एच ओवर पार्शल टी भी लिख सकते हैं. वैक्यूम के अंदर है ना, तो म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम. ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पता है कि ये वैक्यूम की मैग्नेटिक फील्ड है और म्यू नॉट टाइम्स एच होती है. और लास्ट इक्वेशन डेल क्रॉस एच, इसमें जे प्लस था, जे जीरो है, तो ये आ जाएगा सिंपली पार्शल टी ओवर पार्शल टी. और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट बाहर लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वैक्यूम के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है. तो ये चारों इक्वेशंस मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं इन फ्री स्पेस. इनकी इंटीग्रल फॉर्म इस केस में डी डॉट डी एस इज जीरो, B डॉट डी एस इज जीरो, जहां कर्ल आ जाएगी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइन इंटीग्रल आता है, तो E डॉट डी एल इज माइनस पार्शल ओवर पार्शल डी ऑफ B वेक्टर डॉट डी एस, और लास्ट में H डॉट डी एल कर्ल ऑफ H इज सर्कुलेशन ऑफ H, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ H इज इक्वल टू पार्शल डी ओवर पार्शल डी का सरफेस है. तो दीज आर इंटीग्रल फॉर्म्स. ये ना इक्वेशंस पहले अच्छे से लर्न कर लेना, फिर तभी आगे जाके जब हम इनको यूज करेंगे आसानी रहेगी. नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स के केसेस हैं, मतलब when there are no time varying fields, मतलब for static fields, what are the various, what is the form of Maxwell's equation? तो Maxwell's equation कैसे लिखेंगे उसमें? For static fields, तो जब static fields होगी क्या क्या zero होगा? Partial over partial of magnetic field will be zero because it is constant. Partial D over partial T will be zero. ना ना, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है. So therefore first equation remains del dot D is equal to rho. Second equation del dot B it is always zero. Third equation में curl zero electric field की. Fourth equation में magnetic field की curl J के बराबर. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको डेल क्रॉस बी लिखना है तो इट इज म्यू नॉट बाय जे, म्यू नॉट जे ना, एच इज बी बाय म्यू नॉट, हाँ म्यू नॉट जे, ऐसे रहने तो पता ही है थोड़ा सा. इंटीग्रल फॉर्म यहां पे लिखनी है D dot ds is equal to rho dv, B dot ds is 0, A dot dl का जो इंटीग्रल है वो भी 0 क्योंकि डेल क्रॉस ये 0 है, और H की सर्कुलेशन J dot ds, ये सरफेस इंटीग्रल है, लाइन है.